हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप के आप सभी ठीक रहेंगे दोस्तों आज एक हम बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव पोज डिजाइन करना सीखेंगे प्रोडक्ट के लिए जैसे कि मैंने डिजाइन किया हुआ है ऐसा कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिजाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप तो दोस्तों आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो टीम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप सबके यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले और तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चले स्टार्ट करते हैं हम आए फोटोसा सी 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 में मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं सारी रखता हूँ वन जीरो एट जीरो रेजोलेशन है क्रम आर जी बी और ये फाइनली हम देता हूँ पोस्ट ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आएगा और मैंने एक इमेज लिया हुआ जे पी इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहले तो हम इसे पी करेंगे पी करने के लिए मैं जाऊँगा सेलेक्ट में और यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा जिसके चार कल एक सलेक्शन ऑन हो जाएगा ये थोड़ा समय रहेगा इसे सेलेक्ट करने के लिए तो इसने सेलेक्ट कर लिया अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा तो यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा अब इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ला के रख लूँगा उन टू प्रेस प्लेस करूँगा और यहाँ से राइट साइड से इसे इस तरह में छोटा कर लूँगा इसे तो ऊपर एक तरफ रखूँगा थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करूँगा इसे इस तरह और इंटर करूँगा अब मैं इस बैबन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और यहाँ से मैं जाऊँगा ग्रे टाइप कलर एक ले लूँगा मैं सब कोड यहाँ पर आ जाएगा ओके करूँगा अब मैं इसी के पे एक न्यूलियर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में ब्रश में जाकर के यहाँ से इस ब्रश को सेलेक्ट करूँगा ये जनरल ब्रश में मिल जाएगा आप सभी को इसे क्लोज कर लूँगा अब मैं ब्रश को यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा अब ऐसे कब एक न्यूलियर ले, ले लूँगा फिर से और यहाँ पे ब्रश को वो इस तरह तो में बड़ा कर लूँगा और एक यहाँ पे क्लिक करूँगा अब मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड को ग्रे कर लेता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा थोड़ा नीचे की तरफ आपके इसे इस तरह मैं कलर ले लूँगा ओके करूँगा अब मैं मोटर को सिलेक्ट करूँगा अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे एक न्यूलिया लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं रेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा मैं और यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करके यहाँ पे वाइट कलर ले लूँगा मैं थोड़ा ग्रे टाइट रखूँगा मैं इसी से रिलेटेड ओके करूँगा यहाँ पर मोटर को सिलेक्ट करूँगा अब इसे डुप्लीकेट लिखाउंड कंट्रोल जे प्रेस करूँगा नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और यहाँ पे इस तरह से पकड़ के इस तरह मैं नीचे ले लूँगा इंटर करूँगा अब इस कॉर्नर पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा थोड़ा ग्रे टाइप को ले लूँगा मैं इस तरह ओके करूँगा अब मैं इसी के नीचे एक न्यूकलियर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी मैंने ब्रश लिया हुआ है इसे एक बहुत से इस मैं छोटा करूँगा अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर के लूँगा यहाँ पर सब कोड यहाँ पर जेनेट पर ओके करूँगा थोड़ा सा ब्रश को छोटा करूँगा मैं अब मैं यहाँ पे सिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह में ड्राइप कर लूँगा यहाँ पर मोटर को सिलेक्ट करूँगा टी तो तो प्रेस करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा लेफ्ट और राइट से इस तरह और यहाँ पर जाके यहाँ पर इसका फ्री कम कर लूँगा थोड़ा मैं इस तरह तो ये एक टेबल के जैसा दिखेगा अब मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा मैं और ग्रे ट कलर ले लूँगा मैं ओके कबूँगा अब मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चार पर एक सिलेक्शन आना हो जाएगा अब मैं इसी को पे एक न्यूलियर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में ब्रश में कैसे प्रॉब्लर को सिलेक्ट करूँगा इसे क्लोज कर लूँगा मैं ओपन ब्रैकेट से इस तरह में ब्रश को बना करूँगा थोड़ा अब यहाँ पे कलर को मैं वाइट रखूँगा मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लूँगा अब यहाँ पर इस तरह में थोड़ा सा मैं शेडो टाइप कलर दे दूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा फील कम करूंगा इसका ज़्यादा नहीं इस तरह और ओके कर लूँगा यहाँ पे कंट्रोल डी डीप प्रेसर पर सिलेक्शू डिलीट कर लूँगा अभी इस रेट टेबल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर लूँगा क्लिप करूँगा इसे कब एक न्यू ले लूँगा मैं मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सिलिप कर रखा है मैंने और यहाँ पे ब्रश को छोटा कर तरह है इसे भी एक नॉर्मल शेड ले लूँगा कंट्रोल डी प्रेसर करके इसे डिलीट कर लूँगा थोड़ा सा इसका फील में कम कर लूँगा इस तरह थोड़ा कम कर लूँगा यहीं करूँगा अब इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा अब इसी का डुप्लीकेट निकाल लूँगा कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे लेयर को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड इसका ऊपर आ जाएगा क्योंकि ओरिजिनल पे यहाँ पे एक शेडो है ओरिजिनली तो ये शेडो मुझे चाहिए था तो अब मैं क्या कर करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करूँगा नॉर्मल में आके तो यहाँ पर इसका औरिजिनली शेडो आ जाएगा अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर पहले चैन कर लूँगा ताकि ये दोनों हिले ना और इसे इस तरह में पकड़ के कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ पर इस तरह में इसे बड़ा कर लूँगा थोड़ा वैसे इस तरह में मैनेज करूँगा थोड़ा और बड़ा कर लूँगा मैं इस तरह और इंटर करूँगा तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके का दोस्तों अब मैं यहाँ पे टैक्स मैनेज करूँगा तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेक्स लिख के रखा हुआ है तो यहाँ पे फटाफट मैं टैक्स ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने ये टैक्स ले लिया कंट्रोटी बेस करूँगा और वैसे इस तरह में कॉर्नर से बड़ा कर लूँगा मैसे बिल्कुल मेडियस सेंटर में रखूँगा इस तरह में इंटर करूँगा अब मैं आपसे इसका फॉर्म नेम दिखा देता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कैरेक्टर्स में जाके ये रहा फॉर्म जो मैंने यूज़ किया वर्ड और यहाँ पर मैंने यहाँ पे भी वही फॉन्ट यूज़ किया है शायद तो मैंने इस डिज़ाइन में सिर्फ एक ही फॉन्ट यूज़ किया हुआ है आप भी एक ही यूज़ करिएगा अब मैं आप टॉप ब्लर को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक न्यूलियर लूंगा और यहाँ से जाऊंगा मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह के रेक्टेंगल एगल कर लूंगा मैं और यहाँ पे कलर रखूंगा ब्लैक इसे क्रॉस कर लूंगा और यहाँ पर मोटर पर सलेक्ट तरीके से सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जाऊंगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊंगा ब्लर में जाके शिन ब्लर को सेलेक्ट करूंगा इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूंगा मैं और यहाँ पे इस तरह इसका ब्लरनेस बढ़ाऊंगा मैं और ओके करूँगा अब मैं यहाँ पर इसका फील कर लूँगा ऑफ थोड़ा यहाँ पर मोटर से ले करके इसे इस तरह में रोटेट करके इस तरह कॉर्नर में रखूँगा मैं और इंटर करूँगा तो यही डर कुछ इस तरीके है दोस्तों अब मैं यहाँ टॉप टॉप्लर को कर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल सॉरी इसे क्लोज करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई फेस करूँगा तो ये सारा डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएगा अब हम इसे थोड़ा कलर क्रेशन करेंगे तो मैं जाऊँगा फिल्टर में यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट में जा कर यहाँ से इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा थोड़ा सा क्लेरिटी बढ़ाऊँगा और डेज के भी थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगा मैं वेगनेट को थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं और यहाँ पर एक चैन को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं नाइनटीन तक रख पाऊँ और ओके करूँगा तो ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया दोस्तों बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपको पैसा पे लगा प्लीज़ में कमेंट करके बताइएगा और अगर हमारे चाय पे नए तो मेरे चायन को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके धन्यवाद इस वीडियो को आज तक देखने के लिए